हेलो माय फ्रेंड, इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस विद यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द गेट एग्जाम एंड द यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स। ओके, तो इसमें क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल मेथड्स की हेल्प से जो डिफरेंट मेथड्स हैं मैं आपको बताऊँगा, तो उनकी हेल्प से आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ओके, सो बिफोर डिस्कशन आई वॉन्ट टू गिव माई इंट्रोडक्शन। माई नेम इज़ गुरवीत सिंह, बी टेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गेट 2021 क्वालिफाइड इंटरनेंस सेमी फाउंडेशन। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। तो इसमें क्या है, मैं आपको तीन मैथड्स बताऊँगा, ठीक है, इस वीडियो में एक वन बाई वन करके डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियोज में। तो इसमें बताऊँगा आपको पिकार्ड मैथड के बारे में, क्या पिकार्ड मैथड, अगले में बताऊँगा यूलर, ओके, फिर एक मैं बताऊंगा रंजे कुट्टा मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। इसमें क्या है, आपको पहले तो फार्मूला याद रखना है जो मैं बताऊंगा, तीनों का एक एक फार्मूला बताऊंगा, उनको रिमेम्बर करना, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला है वाई एन प्लस वन इक्वल्स टू बाई नॉट प्लस फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा बाई एन, और इंटीग्रेट करना है इसको कहाँ से कहाँ तक, एक्स से एक्स नॉट तक, ठीक है। ये वाला क्या है, हमारा फार्मूला है इसका, इसका पिकार्ड मेथड का, पिकार्ड मेथड का क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये फार्मूला दिया गया है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख के दिखाई है। तो इस फॉर्मूले को पहले रिमेम्बर करना है, फिर बाद में क्या है कि इटरेशन मेथड है, एक इटरेशन फिर दूसरा इटरेशन फिर तीसरा इटरेशन, ऐसे ही प्रोसीड करेंगे, और हम जैसे जैसे वैल्यू की तरफ प्रोसीड करेंगे, एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है। तो जहाँ तक पूछा जाए कि आपको इतने इटरेशन तक बताना है, वहीं तक सॉल्व करके आपको दे देना है। तो इसमें करना क्या है, बेसिकली वो चीज़ मैं बताता हूँ। इसमें क्या है कि अभी तक हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो इसमें भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी डी वाई बाई डी एक्स की टर्म में, कुछ करके आपको क्या दी जाएगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना मींस, सॉल्व करने का मतलब क्या है, आपको बाई और एक्स के टर्म में क्या निकालना है, एक फंक्शन निकालना है, ठीक है। और वो पूछेंगी, अगर मान लो एक्स की वैल्यू इतनी है, आपको एक्स की वैल्यू मान लो एक्स नॉट दी गई है, तो आपको इस वैल्यू पर निकालना है कि बाई कितना होगा, बाई नॉट क्या होगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। या वो क्या करेंगे, आपको कुछ एक वैल्यू दे देंगे, इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो उन्होंने दे दिया कि एक्स इक्वल टू टू पर वाई की वैल्यू इतनी है, ठीक है, वाई की वैल्यू गिवन कर दी, तो आपसे पूछेंगे एक्स इक्वल टू थ्री पर कितनी होगी वैल्यू, इस टाइप का। तो इसमें क्या है, पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो वाई और एक्स के टर्म में आएगी, तो वहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो इसमें क्या है कि यूजिंग पिकार्ड प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, इसमें क्या है कि अप्रोक्सीमेशन लगाने हैं आपको एक के बाद एक, सक्सेसिव का मीनिंग होता है एक के बाद एक, ऑप्टेन ए सोल्यूशन अप टू द फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, आपको क्या करना है, पाँच अप्रोक्सीमेशन तक जाना है ऑफ द इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बाई प्लस एक्स। ये क्या है, ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बाई प्लस एक्स, ठीक है, सच दैट ये दिया गया है आपको कि बाई इक्वल टू वन है कहाँ पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो एक्स नॉट पे बाई नॉट आपको दिया गया है, और पूछा गया है कि पांच इटरेशन के बाद क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है हमारा एन के टर्म में दिया गया है, एन अगर यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे तो हमारा ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा बाई वन, अगर एन इक्वल टू टू पुट कर देंगे तो हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, पुट करते जाएंगे, यानी इक्वल टू पहले क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे, फिर वन पुट करेंगे, और हमारे अप्रोक्सीमेशंस आते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि बाई इक्वल टू जीरो, वो एन इक्वल टू जीरो पुट किया तो यहाँ पे आ गया बाई वन, तो यहाँ पे बाई वन आ गया, यहाँ पे बाई नॉट ही रहेगा, बाई नॉट दिया है तो फार्मूले में देखिए। अब यहाँ पे क्या है कि लिमिट लगानी है एक्स नॉट से एक्स तक की, और फंक्शन क्या है, फंक्शन का मीनिंग है ये जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है ना बाई प्लस एक्स, उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। उसमें क्या है कि x पुट करना है और बाई एन पुट करना, बाई एन का मतलब क्या है, n अगर जीरो रख दिया तो बाई नॉट पुट करना, बाई नॉट है कितना मेरा वन, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे बाई नॉट आ गया। तो
तो अब देखिए यहाँ पे बाई वन निकालने के लिए क्या है, बाई नॉट की वैल्यू पुट करो, बाई नॉट कितना है वन, और हमारा एक्स कॉमा बाई नॉट, एक्स कॉमा बाई नॉट रखो यहाँ पे, एक्स की जगह पे एक्स रख देंगे, बाई की जगह बाई नॉट रख देंगे, तो बाई नॉट रखा, बाई नॉट की वैल्यू कितनी है वन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वन प्लस एक्स आ गया, तो वन प्लस एक्स आ गया, बाई नॉट की वैल्यू वन, तो वन प्लस इंटीग्रेट करना है 0 to x, वन प्लस एक्स का। अब इसका जब इंटीग्रेशन किया ठीक है, तो वन का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट पुट कर देंगे 0 to x, तो ये चीज़ आ जाएगी ठीक है। अब ये मेरा क्या आ गया, बाई वन आ गया। अब बाई टू निकालना है, बाई टू निकालना है तो क्या करें, एन इक्व टू वन पुट किया, एन इक्व टू वन पुट किया प्लस, तो क्या आ गया इक्व टू बाई नॉट प्लस एक्स नॉट टू एक्स फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा बाई वन आ जाएगा यहाँ पे। अब बाई वन कितना है तुम्हारा, बाई वन ये आया था, अब ये चीज़ यहाँ पे पुट करेंगे एक्स कॉमा बाई वन, एक्स कॉमा बाई वन अगर मैंने यहाँ पे पुट किया तो एक्स कॉमा बाई वन, बाई वन की वैल्यू कितनी है वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे एक्स तो है ही पहले से, तो कितना हो गया वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट किया तो वन तो ये तो ऐसा ही रहेगा, उसके बाद इंटीग्रेट किया वन का तो क्या आ गया एक्स आ गया, टू का एक्स का किया तो एक्स स्क्वायर बाई टू, टू से टू कैंसिल हो गया, और ये इसका कितना आ गया एक्स क्यू बाई थ्री आएगा, और टू का मल्टीप्लाई तो एक्स क्यू बाई सिक्स हो गया। ऐसे ही क्या हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे, और मुझे कहाँ तक करना है, फिफ्थ तक जाना है। फिफ्थ तक जाने के लिए क्या करेंगे, एन इक्व टू कितना रख देंगे, एन इक्व टू रख देंगे फोर, एन प्लस वन है ना, तो इसमें कितना रखेंगे, एन इक्व टू अगर मैंने फोर रखा तो कितना आ जाएगा बाई फाइव आ जाएगा ठीक है। इसी तरीके से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और इटरेशन लगाने हैं और आंसर आ जाएगा ठीक। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा यूलर्स मेथड के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी।